नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। अर्पिता चटर्जी के घर फिर मिला 20 करोड़ कैश, अभी गिनती जारी। 1.5 करोड़ का गोल्ड भी जब्त, 4 दिन पहले मिले थे 22 करोड़। पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले में अर्पिता चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को एक बार फिर उसके बेलघरिया स्थित फ्लैट पर छापा मारा, जिसमें बड़ा कैश मिला। बुधवार को हुई छापेमारी में अब तक 20 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। जांच एजेंसी अभी भी कैश की गिनती कर रही है, यह रकम अभी और बढ़ सकती है। अर्पिता के घर से बरामद कैश को गिनने के लिए 3 मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के सेल्फ से 3 किलो सोना जब्त किया गया, इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ है। कुल मिलाकर अब तक 41 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की जा चुकी है। बता दें कि 23 जुलाई को भी ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा था। अर्पिता के घर 21 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली, 500 और 2000 रुपए के नोटों के ढेरों बंडल को एक कमरे में झोले और बैग में ठूस ठूस कर रखा गया। एजेंसी को दस्तावेज भी मिले थे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।